इंदौर का खजराना गणेश मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया है। कहते हैं यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है, और यही वजह है कि यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। खजराना के इस मंदिर का इतिहास बहुत दिलचस्प है, और कहा जाता है कि होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 1735 में हुआ था, और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में आने के बाद श्रद्धालुओं को बेहद शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ से जुड़ी एक गाथा यह भी है कि मंदिर की प्राचीन प्रतिमा का स्वप्न मंदिर के पुराने पुजारी श्री मंगल भट्ट जी को आया था। सपना आने के बाद जब यहाँ पर खुदाई करवाई गई तो वहाँ से एक मूर्ति सचमुच में निकली। इससे यह साबित हो गया कि पुजारी जी को आया हुआ स्वप्न सच था। जब यह बात महारानी अहिल्याबाई होलकर को पता चली तो उन्होंने इस मूर्ति की विधिवत स्थापना करवाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से प्रतिमा निकाली गई थी वहां पर फिर एक जलकुंड भी बनवाया गया। इंदौर के श्रद्धालुओं के लिए बुधवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहां भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आसपास के शहरों से भी जो लोग आते हैं उनके लिए खजराना मंदिर के दर्शन करना एक प्रमुख आकर्षण है। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अपनी मन्नत का धागा यहाँ पर बांधना होता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर इस धागे को खोलने के लिए भी आना पड़ता है। खजराना मंदिर का पिछले कुछ वर्षों में बहुत विस्तार हो गया है। बेहद विशाल परिसर में भोजनालय है और प्रसाद की अनेक दुकानें सजी हुई दिखाई देती है। मंदिर का विशाल गेट भी आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की कई मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। और खजराना गणेश मंदिर के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहां पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार अधिक से अधिक दान देते हैं। यही वजह है कि यहां पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए दान के रूप में प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी तरह की मंगल कार्य का पहला आमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है, और गणेश जी के आशीर्वाद से ही वह कार्य पूरा होता है। यही वजह है कि खजराना गणेश मंदिर में नई गाड़ियां तथा विवाह आदि समारोह के निमंत्रण सबसे पहले दिए जाते हैं, और यह कामना की जाती है कि उनका धार्मिक आयोजन या विवाह का आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो। खजराना मंदिर में हाल ही में एक भोजनालय भी प्रारंभ किया गया, जहां पर नाम मात्र की राशि पर भर पेट भोजन करवाया जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।